आज के इस एपिसोड में मैं आपको वायरलेस चार्जर बनाना बताऊंगा। तो दोस्तों हम इसे ये डाटा पेन है इसे हम काट लेते हैं, इसकी स्विच को बाहर निकाल लेंगे। हमने ये स्विच बाहर निकाल लिया है, ये हमारे पास एक सेंसर। अब इस सेंसर की बीच वाली पिन माइनस की होती है और चार्जिंग कनेक्टर की माइनस वाली साइड वाली इस पर हम पेस्ट कर देंगे। दूसरी बाहर वाली पिन जो है उसे हम प्लस पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद में हम एक बन के का रेजिस्टेंस लेंगे, इसे बाहरी पिन पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद में इसे मोड़ के बीच वाली पिन पर कनेक्ट कर देंगे। अब हम एक मीटर का तार लेंगे, उसे एक लोहे की रॉड पर मोड़ लेंगे, इसकी एक स्प्रिंग सी बना लेंगे। अब इसे हम कटे हुए चार्जर के माइनस वाले तार पर पेस्ट करेंगे एक साइड। और प्लस वाली को 547 ट्रांजिस्टर से पेस्ट कर देंगे। एक बन के का रेजिस्टेंस LED के साथ इसे हम एक सिरा माइनस पर पेस्ट करेंगे। और दूसरा ट्रांजिस्टर की बाहरी पिन पर। अब दोस्तों हमारा ये वायरलेस चार्जर बन गया है। अब देखो मैं स्विच दबाऊंगा तो लाइट उसमें जलेगी चार्जर में और मोबाइल चार्ज होने लगेगा। मैं इसके और पास हाथ भी आपको घुमा के दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको पता लगे इसमें कोई तार वगैरह कोई नहीं लग रहा है। अब देखो मैंने स्विच बंद कर दिया तो चार्जिंग बंद। अब स्विच चालू कर दिया तो अब इसके 10-5 सेकंड में चार्जिंग आ जाएगी।
अब इसे बाहर ले जाकर देखते हैं कहाँ तक ये चार्जिंग चलेगी, कितनी दूर तक। लगभग ये कम से कम 30 मीटर के करीब चार्जिंग चल रही है।